हेलो इजबान, वेलकम टू माई चैनल ट्रिपल फैट एरर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। इससे पहले ना जिनके कॉल मैसेज आए हैं, यूनियन हुए हैं, जिन्होंने इन्फॉर्म किया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बधाई हो। एंड पेशेंस इज द की, और विश्वास रखना है खुद पर और अपने प्यार पर, और सबसे ज़्यादा यूनिवर्स पे कि जो भी हो रहा है वो आपके ही अच्छे के लिए हो रहा है। सो प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऐसे है ना कि खामोशी और सर पकड़ने की जैसे एनर्जी है। जैसे आई थिंक उनको ना सरदर्द की बीमारी रहने लगी आजकल, या फिर ये लिटरली सर पकड़ के बैठे हैं कि लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। सच कहूँ ना, इंट्यूशनली और एक अंदर से आवाज़ आती है ना, उसमें तो ऐसा फील हो रहा है कि आप से दूर होकर ना इन्हें बहुत बड़ी गलती की है। ये सिर्फ कर्मा के एंगल से नहीं सोच रहे, ये कर्मा के एंगल से नहीं है, ये ऐसा है ना कि एक ऐसा इंसान लाइफ में ज़रूरी था, ज़रूरी है और ज़रूरी रहेगा कि जो इंसान हर सुख दुख में ना साथ रहे, इमोशनल सपोर्ट करे कि भाई जो भी हो रहा है ना उसमें सोल्यूशन निकालने की हिम्मत रखता हो, साथ देने की हिम्मत रखता हो, सपोर्ट करने की हिम्मत रखता हो। आप उनके सपोर्ट हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना आसपास इतनी डिस्टर्बेंस है और हर जगह से प्रॉब्लम से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि कभी फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे, तो घर के माहौल ठीक नहीं चल रहे, क्योंकि हर चीज़ का असर एक दूसरे चीज़ के ऊपर पड़ रहा है। अगर फाइनेंसेस की वजह से घर में उनके जो क्लेश है या आर्ग्यूमेंट्स है, अनबन है, वो बढ़ रही है, या फिर घर के अनबन की वजह से इनकी फाइनेंसेस या उनकी जो काम है उसके पर असर पड़ रहा है, और जिसका इवेंचुअली असर फाइनेंसेस पे पड़ रहा है। पॉसिबल है ये पर्सन एंगेज है या किसी के साथ कमिटेड या फिर मैरिड है, या फिर ऐसा कुछ डिसीजन जाने अनजाने में ले चुके हैं या ले चुके थे कि जिसकी वजह से इनको ना समझ नहीं आ रहा था कि इनको तभी समझ आया था कि ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, सही है, ऐसा ही होना चाहिए। बट अभी बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन कि प्रैक्टिकली ही रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ज़िंदगी में ऐसा पर्सन साथ में होना चाहिए जो हर वक्त साथ में, हर वक्त हर हालात में साथ रहे। क्योंकि पैसा है ना, पैसा है, अच्छी कंडीशंस है, हेल्थ है, हर चीज़ है ना, अप डाउन होते रहते हैं। आज हेल्थ अच्छी है, कल बुरी भी हो सकती है, और बुरी अच्छी जो भी सिचुएशन है उसमें दोनों भी चीज़, अच्छी वक्त में ना अच्छी हालात है, अच्छे फाइनेंसेस है, अच्छा वक्त है, सब साथ होते हैं, सब साथ एक से एक, मतलब इवन यू नो अनजान आदमी भी या राह चलता आदमी भी साथ हो सकता है। बट जब बुरे हालात होते हैं, हेल्थ डाउन होती है, फाइनेंसेस डाउन होते हैं, तब जो सच्चा है ना, जो आपके लिए ही बना है, वो वही साथ होता है। सच कहा है कि जो जो सुख में साथ होते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। इन्हें ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी या फिर एक गिल्ट फील हो रहा है, किस मुंह से आपकी तरफ जाए, क्या कहे। बहुत ज़्यादा क्रेविंग है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मिलने की इच्छा,
जाने अनजाने में जब आपके बारे में सोचते हैं ना, बहुत हीलिंग वाली हीलिंग की फील होता है, हीलिंग वाली फीलिंग, ओके, हीलिंग वाली फीलिंग आती है, एकदम हील फील होता है। जैसे वो सरदर्द है ना, वो अचानक से गायब हो गया, उस वक्त मोमेंट उसके बाद गायब हो गया, वो वापस आ जाता है। जैसे वो उस जोन से बाहर निकलते हैं, आपकी आपकी एनर्जी से जैसे बाहर निकलते हैं ना, उस जोन में से बाहर निकलते ही उनका वो सरदर्द, उनकी जो परेशानी है, आर्ग्यूमेंट से सब चीज़ अचानक से बढ़ने लगती है। एग्जैक्टली उनको रियलाइज नहीं होता, बट समाओ इन्होंने ये पैटर्न ऑब्जर्व करना शुरू तो किया है, फील तो हो रहा है कि समझ में तो आ रहा है कि आपके साथ होना कितना सही डिसीजन हो सकता है या था। एक्चुअली ऊपर वाले ने लिटरली आपको दिया था उन्होंने एज अ गिफ्ट। टू नंबर स्ट्रांगली फील हो रहा है, और कुछ लोगों के ना एकदम स्ट्रांग मैसेज आया है कि इनकी आपकी मुलाकात है ना दिवाली तक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से ना अचानक से ना दीपक जल गया हो, जो उनका नाम दीपक भी हो सकता है, दिया हो सकता है, और जो दिए की जो लौ होती है, जो फ्लेम है ना, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखा रही है, एंड स्पेशली राइट डायरेक्शन, सही रास्ता, वैसे कुछ इशारा हो रहा है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स ना इनको काफ़ी सारे इंडिकेशंस दे रही हैं, किसी भी तरह से ये जो लॉसेस हैं ना उनकी लाइफ में, ये उनको एक्चुअली रियलाइजेशन करवाने के लिए हैं। ये ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन ये लॉसेस के बगैर ये कुछ चीज़ें समझ नहीं पा सकते थे, समझना मुश्किल था। इन्हें बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहा है आपके लिए। लेकिन इंसान है ना, देखते भी कभी कभी ना अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर समझ नहीं पा रहा है, बेसिकली समझ नहीं पा रहा है, ऐसे नहीं समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं। वो जो आप लोग इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि एंजल नंबर्स दिखते हैं, या एंजल नंबर्स होते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो यूनिवर्स की तरफ से आते हैं। तो आपको तभी क्या करना है, या उसे किस तरह से समझना है, क्या इंडिकेशंस होते हैं। लेकिन इन्हें ये सब चीज़ें दिखते तो है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा फेलियर या नेगेटिव ज़्यादा समझ रहे हैं, और उन्हें बस इसमें ना एक एस्केप, सॉल्यूशन से ज़्यादा ना एस्केप निकालने की कोशिश में है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बट नहीं, ये काफ़ी हद तक एस्केप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ जैसे ना रेमेडीज ट्राई करे हो, जैसे पूजा पाठ कर लिया जो भी है, बट समाव वे कुछ भी चीज़ काम नहीं आ रही, कुछ भी चीज़ काम नहीं हो रही। काफ़ी ज़्यादा खामोशी है, ज़्यादा आजकल ना बात करना प्रेफर नहीं करते, हालांकि हाँ, मतलब हर चीज़ में ना एक इंटरेस्ट खो चुके हैं। मन तो बहुत ज़्यादा करता है कि ये चाहिए वो चाहिए, एक लाइफ थी, एक वक्त में इनकी एक लाइफ थी, बहुत ज़्यादा एकदम सुपर्ब लाइफ थी, बहुत ज़्यादा एकदम मनचला बिहेवियर, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए हर चीज़। बट समाओ ऐसा लगता ना कि अचानक से वक्त ही बदल गया, या तो उम्र हो गई है, या तो हालात बदल गए हैं, या तो फाइनेंशियल कंडीशंस या जो भी है बदल गई है, तो उसकी वजह से ना उनको फेलियर जैसा फीलिंग आ रहा है कि लाइफ में कर क्या रहे। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि एक वक्त जिन्होंने लाइफ को बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिया था, बस प्रैक्टिकली ही लिया था, अभी लाइफ में ना
बहुत ज़्यादा वो चीज़ की डिमांड हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, मैच्योरिटी चाहिए, आसपास की एनर्जी में, मतलब एक वक्त था ना जैसे इनका इमैच्योर बिहेवियर लोग बर्दाश्त कर पाए थे, वही अच्छा लग रहा था, समझ रहे थे कि ये इमैच्योर है, ये है, वो है। अब ये ऐसा लग रहा ना कि हर कोई उल्टा, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ना अजीब से घबरा गए हैं या फिर संभाल नहीं पा रहे इस सिचुएशन को, ये हो क्या रहा है, क्योंकि इन्हें जैसे आदत थी या इनको जैसे चाहिए कि इन्हें कोई संभाले, इन्हें कोई संभाले, तो उम्मीद तो एक्चुअली उल्टी है कि लोगों को लगता है कि इन्हें संभालना चाहिए सिचुएशन को, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, इन्हें आना चाहिए संभालना सिचुएशंस को। टू नंबर प्रोमिनेंटली फील हुआ है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, और जैसे माइग्रेन वगैरह की एनर्जी, सरदर्द, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश लेकिन एस्केप करने की फिरात में जाते हैं, और एस्केप में एडिक्शन फॉलो करना हो सकता है, टाइम पास करना फॉलो हो सकता है, लेकिन अगेन जैसे बार बार फील हो रहा है कि जो भी कर ले कुछ भी चीज़ में ना मज़ा नहीं आ रहा है, जो भी है कितना भी एडिक्शन फॉलो करे, वो एडिक्शन वो बस बहुत कम टाइम के लिए एस्केप है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि वो सॉल्यूशन फोकस नहीं है। इनके इनिशियल वी हो सकते हैं, एस हो सकता है, के हो सकता है, एल हो सकता है, आई हो सकता है, आज की एनर्जी मैंने एक स्टेबल एनर्जी कम और बिखरी बिखरी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, मतलब कि जैसे धुंधला धुंधला चीज़ काफ़ी ज़्यादा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही। एक चीज़ जो क्लियर है वो है रियलाइजेशन, इन्होंने क्या खोया है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत है, जैसे मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग, रातों रातों को एकदम जागते हैं, मतलब वैसे ना कि बस कुछ टाइम पास कर, नींद आए इसके लिए टाइम पास करते, बैठे 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 स्क्रॉल कर रहे स्क्रॉल कर रहे, कुछ नहीं मिल रहा है। सो मैंने कहा ना कि इनकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा एक उसको ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बॉटम डेक है टेन ऑफ पेंटिकल, पॉसिबल है पर्सन मैरिड हो सकते हैं, और या फिर फैमिली एकदम ज़्यादा ही शायद इन फैमिली की वजह से, लाइक ना या तो फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है फैमिली की, या पर्सन मैरिड है, और ये भी हो सकता है, तो उस चीज़ में इसे लग रहा है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने जो डिसीजन लिया था या किसी से शादी करना हो, कमिटेड होना हो, या फैमिली की तरफ झुकना हो, अभी इनको लग रहा है ना कि हर कोई अपने हिसाब से देख रहा है, अपनी जिद पूरी करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मन मर्जी कर रहा है, लेकिन इनकी मर्जी का कुछ भी नहीं हो रहा है, जो उन्हें कभी ऐसा लगता था ना कि इनकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है, नहीं, इनके लिए सब कुछ हो रहा है, वैसा अभी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा दिख ही नहीं रही है, क्योंकि जैसे हालात बदले हैं, वक्त बदला है, एज बदला है, फाइनेंसेस बदले हैं, उनकी तरफ जो एक इम्पॉर्टेंस, अटेंशन, केयर, कंसर्न, वो सारी चीज़ें एकदम निकल चुकी हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ दोनों किंग की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन, क्योंकि अलग ही है आपका प्यार करना, इम्पोर्टेंस देना, अटेंशन देना, केयर करना, आपका अट्रैक्टिव होना और इनको अट्रैक्टिव समझना हर चीज़, क्योंकि आपके नज़र में ये खास है, वो आप फील भी कराते थे, वो भी है एक चीज़, इंसान अपनी इंस्पिरेशन खो रहा है, इंसान अपनी वजूद खो रहा है, एग्जिस्टेंस खो रहा है, तो स्पिरिचुअल गाइडेंस तो इनको ना मिल रहा है, ये पूजा पाठ वगैरह सब करते होंगे वगैरह कुछ है, बट कुछ भी काम नहीं आ रहा है, तो कभी कभी ना इंसान चिढ़ जाता है, मैं इतने दिन मंदिर गया, इतने दिन ये किया वो किया, बट कुछ नहीं हो रहा है,
क्योंकि हो इसलिए रहा है क्योंकि आपने एनर्जी शिफ्ट नहीं किया, आप करने के लिए कर रहे हो लेकिन एग्जैक्टली वो एक दिल होता है ना कि उसमें वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और बस चीज़ें बिगड़ रही है और ज़्यादा बिगड़ रही है, टावर सिचुएशंस है और ओवरऑल एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। मैंने कहा ना ओवर थिंकिंग, और वो इंसान जैसे ना अपने आप को खोने जैसा फील कर रहा है, जैसे सब कुछ खो रहा है, सब कुछ छूट रहा है उससे, वो सेल फीलिंग है, लेकिन एक दिल है जो आपकी तरफ जुटा गया क्योंकि अभी ये फील करने लगे हैं समझने लगे हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं, तो इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस है बट बहुत लेट होगा, मतलब ऐसे एकदम झटाक से इनकी तरफ से कॉल मैसेज नहीं आएगा क्योंकि इनकी जो क्रेविंग्स है, इनकी जो मैग्नेटिक पोल है आप ही की तरफ है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स।